आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट प्लाज्मा फॉर फेस। आप जानते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा माने पीआरपी, जो काफी जानी मानी प्रोसीजर है अपने हेयर लॉस के लिए, वही ट्रीटमेंट हम फेस के रिंकल्स कम करने के लिए, फेस पे एक्ने स्कार के लिए और फेस पे ग्लो के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पीआरपी होता है वो एक प्रोसीजर करके आपके जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा और आपके प्लेटलेट्स को अलग करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली जो ब्लड में 1 ml में 3 ml 3 lakhs जितने प्लेटलेट रहते हैं, लेकिन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में 1 ml में अराउंड 10 lakhs जितने प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ये प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर में मदद करते हैं, जैसे कि आपकी छोटी मोटी रिंकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडर आई में काफी सारी बार बहुत छोटी रिंकल्स होती हैं जो बोटॉक्स से भी क्लियर नहीं होती है, वैसे छोटे रिंकल्स के लिए ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर स्किन के नीचे ये इंजेक्ट किया जाता है तो वो आपके फेस की जो स्किन है उसको रिपेयर करता है, वहां पे नया कोलेजन रिजनरेट करता है, जिसकी वजह से वो एंटी एजिंग और फेशियल ग्लो के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो एक्ने स्कार के नीचे सब सीजन के साथ में भी यूज हो सकता है। काफी सारी बार अगर आप एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपके लेजर के साथ में भी हम पीआरपी का प्रयोग करते हैं। सर्जरी में जब भी हम फेशियल फैट ग्राफ्ट कर रहे हैं या नैनो फैट ग्राफ्ट कर रहे हैं आपके स्कार्स के लिए, तो उसमें भी पीआरपी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हेयर लॉस के लिए तो आप पीआरपी का प्रयोग जानते ही हैं। तो पीआरपी फॉर फेस के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर आप हमें इंक्वायरी भेज सकते हैं सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।